बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट टू का चैप्टर फाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 30 है, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। यानी चैप्टर फाइव से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर फाइव में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हवाले से कंप्लीट एक प्रैक्टिकल पोर्शन है और सिक्स और सेवन ये भी इसमें भी प्रैक्टिकल पोर्शन है एमएस एक्सेस के हवाले से। यानी आपका चैप्टर फाइव से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर फोर तक जो है ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े और डेटाबेस से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, की से रिलेटेड, रिलेशनल डेटाबेस में से रिलेटेड सारे आपने क्वेश्चन पढ़े, तो वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। जिस तरह से आपको आइकॉन नजर आ रहा है ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आप ऑफिस 2010 इंस्टॉल कर लें, ऑफिस 2013 इंस्टॉल कर लें, उसमें ये साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। लाइक ये जिस तरह एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी ये भी साथ ही इंस्टॉल हो जाता है जब आप ऑफिस इंस्टॉल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आज इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है पहला ये कि पॉपुलर और पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आपको मुकम्मल डेटाबेस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपने पढ़ ली हैं, सीख ली हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो अब जो चीज़ें आपने थ्योरेटिकली एज पढ़ी हैं आपने, वो सारी आपने प्रैक्टिकल अब इम्प्लीमेंटेशन करनी है इस सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। दूसरा, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही कि आप जब इस एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें आप टेबल्स क्रिएट करेंगे तो टेबल्स को आपने आपस में जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उनको रिलेट कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान आपने रिलेशनशिप कायम करना है तो आप वो इसमें एज ए विजुअल फॉर्म में GUI इंटरफेस में आप इनके आपस में रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। माइक्रोसक्सेस जो है प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI इंटरफेस का तो आपको पता है, यानी सारी चीज़ें जो हैं आपको ग्राफिकली प्रोवाइड की गई हैं। आपको कोई इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट माउस के क्लिक से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, माउस के क्लिक से आप डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो क्रिएट कर लेंगे, फॉर्म्स बना लेंगे, ठीक है। तो मींस कि आपके GUI इंटरफेस जो है प्रोवाइड करता है ये। अब इसमें GUI इंटरफेस से रिलेटेड जो ये फीचर है, इसमें आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली माइक्रोसक्सेस के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे। ये आपके सामने एक इंटरफेस नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। तो आप ऑफिस 2013 इंस्टॉल कर लें जो लेटेस्ट है, मज़ीद और जो भी आपको ऑफिस मिलता है आप 10 कर लें, 13 कर लें। तो ये सामने आपके सामने ये ऑफिस 2013 का इंटरफेस में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसमें ये इंटरफेस है बिल्कुल सेम जिस तरह से आपका ऑफिस में आपके जिस तरह से रिबन्स बने होते हैं, जिस तरह से होम के, एडिट के, वट एवर, इंसर्ट के, सारा आप इसी तरह से इसमें भी आपको सारे जो हैं वो टैब्स नज़र आ रहे हैं। जैसे क्रिएट पे टैब अभी आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको टेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टेबल डिज़ाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्यूरी का लिखा हुआ है, फॉर्म का लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी वो ऑब्जेक्ट्स जो ये समझें कि ये आपकी ऑब्जेक्ट विंडो ही है जिसमें आपसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इंटरफेस है, इसके सामने रिबन नज़र आ रहे हैं, ये अभी आपके सामने कुछ टेबल डिज़ाइन का व्यू नज़र आ रहा है। अब ये सारा किस तरह से हमने टेबल डिज़ाइन करने हैं, क्यूरी कैसे बनानी है, फॉर्म कैसे बना रही है, सारा हम फर्दर
लेक्चर्स में आपको बनाना सिखाएंगे। तो ये ओवरऑल इसका जस्ट व्यू है, ये आप देख लें गौर से, और इसी में आपने सारे काम करने हैं। कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट के टैब पे आ जाएंगे, कोई भी मजीद फर्दर आपने काम करने तो डेटाबेस टूल्स में आएंगे, और इस तरह से डिफरेंट जो भी जरूरत पड़ेगी जिन जिन टैब्स में हमें आने की वो हम फिर यूज़ करेंगे। तो ये तो इंटरफेस हुआ, ठीक है। इसी तरह से ऊपर टाइटल बार नज़र आ रहा है, ये टैब नज़र आ रहे हैं, ये एक किस्म के विंडो आपके सामने डेटाबेस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपको लिंक बटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपने बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड जो है वो आपने काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस आते हैं। एडवांटेजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल अभी जो हम बेसिकली जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेस का, इसका बेसिकली क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो एक किस्म का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें आप एक्सेस को और उसके एडवांटेजेस को आप डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, सैम्पल डेटाबेसिस है, यानी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपको प्री बिल्ट इन यानी ऑलरेडी डेटाबेस एप्लीकेशंस यूजर्स के लिए बनी हुई मौजूद हैं। आप उनको देख के यानी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, छोटी छोटी डेटाबेसिस बनी हुई हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। मतलब जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक है, जैसे एक एप्लीकेशन का नाम है, तो उसमें फिर इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इस तरह से। तो इस तरह से एप्लीकेशंस ऑलरेडी कुछ बनी हुई हैं एज ए सैंपल के तौर पे, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो यूजर्स और प्रोग्रामर्स जो हैं उन कैन लर्न अबाउट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो है वो तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा विजार्ड क्या है? विजार्ड एक फीचर है, इसमें एक यूटिलिटी है, एक फैसिलिटी कह सकते हैं। विजार्ड्स आप कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सेट ऑफ स्टेप्स हैं, या कुछ जिस तरह से नॉर्मली आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, एग्री करते हैं, और फिर एक इंस्टॉल का बटन आ जाता है। यानी वन बाय वन कुछ आपके सामने ऑप्शन नज़र आती हैं, आप उनको क्लिक करते हो, फिर नेक्स्ट कर देते हो। इस तरह से सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो उसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ही विजार्ड बने हुए हैं, एक यूटिलिटी है जो आपको गाइड करेगा यूजर को इन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क, कि आपने कौन सा पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। तो उसमें एमएस एक्सेस प्रोवाइड सेवरल विजार्ड टू क्रिएट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। मीन के आपको डिफरेंट तरीके दिए गए हैं, डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं कि आपने टेबल क्रिएट करने हैं तो कौन सा तरीका यूज करना है, क्यूरी बनानी है, कौन सा तरीका यूज करना है, फॉर्म बनाना है। यानी आप उसमें विजार्ड के थ्रू आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। कोई आपने कोई टाइप नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह से आप विजार्ड जो हैं वो के थ्रू आप ये टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो उसके बाद है व्यूइंग रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस टेबल। अब जारी बात है, डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है, वो भी आप देख सकते हैं विजुअल फॉर्म में। द यूजर कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल, द यूजर कैन आल्सो व्यू दीज रिलेशनशिप इन ग्राफिकल फॉर्म। मीन दो टेबल नजर आ रहे होंगे आपके दरमियान, दोनों को कनेक्शन किया होगा, एक लाइन ड्रॉ हुई, लाइन ऑटोमेटिकली बनी होगी और बता रही होगी कि इन दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप है। तो ये भी आप विजुअल फॉर्म में एक जस्ट डायग्राम आपको सारी या पूरा एक वो विंडो नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आपको टेबल्स के आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, व्यू हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास अगला इसमें एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना या लिंक कर देना, इंटीग्रेट कर देना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। सो द डाटा ऑफ टेबल्स डेटाबेस क्रिएटेड इन एमएस एक्सेस कैन इजीली एक्सचेंज बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस एप्लीकेशन जो है, मसलन जैसे एक्सेल है, वर्ड है, उनके दरमियान आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो क्रिएट किया हुआ जो डाटा होता है डेटाबेस में, वो आप लिंक कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। मीन्स के आप अपना डेटाबेस एक्सेस में से जो डाटा उठा के आप वर्ड में भी ले जा सकते हो, एक्सेल में भी ले जा सकते हो। यानी डिफरेंट एप्लीकेशन में आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो अगर उसमें डाटा है तो आप किसी दूसरे में एक साथ शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डाटा स्टोर्ड इन एम एस एक्स डेटाबेस के टेबल्स कैन बी यूज इन एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल, ठीक है। दूसरा, ईजियर प्रोग्रामिंग। यानी आप इसमें कोई डीप प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है,
सिंपल आपके को एमएस एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग की, यानी आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लेकिन आसान प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उतनी एडवांस नहीं कर सकते। यूजर कैन राइट कोड विद मैक्रोज, मैक्रोज बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी कोई पर्टिकुलर टास्क आपने बनाना है करना है तो उसके लिए मैक्रो बनाना पड़ता है, एक मॉड्यूल बनाना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो टू परफॉर्म वेरियस टास्क, तो आपने क्या परफॉर्म कराना है और डिफरेंट ऑपरेशन जो भी डेटाबेस के अंदर है वो आप करवा सकते हैं, तो इजियर प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। उसके बाद है कॉमन स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है क्या इस्तेमाल करता है, यूजेस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब क्यूरी का आपको पता है, क्यूरी एक स्टेटमेंट होती है कि अगर आपने डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं उनमें अगर डेटा रिट्रीव करवाना है, यानी दोबारा से व्यू करना है, तो आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, क्यूरी लिखते हो, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो सारी है कि डेटा की व्यू करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, वो सारे जो स्टैंडर्ड हैं, जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड मखसूस किए हुए हैं, वो आप एम एस एक्सेस जो है में आप यूज कर सकते हो। यानी कॉमन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है नॉर्मली, जो चल तमाम बाकी स्टैंड बाकी डेटाबेसेस में भी इस्तेमाल होती है, टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन जैसे कि इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, व्यू है, ये सारी चीजें। कि डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्यूरी है, इंसर्ट इनटू की कमांड होती है, डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल आगे नहीं होता है, ठीक है, टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, इस तरह की कमांड है। तो इस तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो यूज होती है डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। SQL इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज इन डिफरेंट रिलेशन, और रिलेशनल डेटाबेसेज भी हैं जैसे कि ओरेकल है, MySQL है, और भी रिलेशनल डेटाबेसेज हैं जिनमें यही SQL स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होती है, कोई डिफरेंट नहीं यूज होती। अगला है नो रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का तो आपको पता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेम डाटा इन मल्टीपल फाइल्स, इट वेस्ट द स्टोरेज मीडिया ऑफ कंप्यूटर एंड क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। मीन रिडंडेंसी आपको पता है डुप्लीकेशन हो जाती है, मल्टीपल डाटा नजर आता है एक ही डाटा, सेम डाटा जो है मल्टीपल फाइल्स में, तो इससे स्टोरेज भी फिर से होती है, हार्ड डिस्क यूज होती है, तो वो भी क्या है कि ये रिडंडेंसी नहीं होने देता, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी आप अगर प्राइमरी की लगा देते हैं तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो इस तरह से अगर ये चीज जो रिडंडेंसी होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो एम एस एक्सेस में डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड विदाउट डाटा रिडंडेंसी बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेट, आप आपस में रिलेशनशिप बना के दोनों टेबल्स में प्राइमरी कीज लगा के आप रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ हमारे पास यानी ये एडवांटेजेस हुए जो कि ये डेटाबेस एक्सेस जो है ये फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करती है। तो आज हमने डेटाबेस से रिलेटेड माइक्रोसक्सेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा कि जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होंगे उसमें जो टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।